नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक सितारा बहुत चमक रहा है। कई चीजें ऐसी हो रही हैं जिनका जब जिक्र आता है तो उनका नाम सामने आता है। पढ़ाई लिखाई की बात हो, एक्शन लेने की बात हो, या फिर लोगों से भावनात्मक संबंधों की बात। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 100 दिन पूरे कर चुके सरकार के, इस वक्त हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से। जय श्री महाकाल, सबको नमस्कार। सर, इस वक्त हम 8 लेन एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं। अभी हमने देखा कि आप निरीक्षण भी कर रहे थे, और विकास को लेकर जो बात होती है, विकास की रफ्तार होती है, विकास तीर्थ इसका नाम है। डबल इंजन की सरकार के साथ विकास लगातार हो रहा है, क्या पैमाने आगे? और देखिए, ये हमारा सबका सौभाग्य है, भारत के 142 करोड़ लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनवाई, और उसका परिणाम है कि आज विकास के सारे विकास तीर्थ के रूप में बनने वाले प्रतिमान अपने आप अपनी बगैर बोले सारी कहानी बता रहे हैं। जिस मार्ग से हम चल रहे हैं, झाबुआ के पास का ये सुपर एक्सप्रेस वे 8 लेन, जहाँ से हम सेंटर पॉइंट के नाते से 6 घंटे में बम्बई और 6 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, 12 से लेकर 18 घंटे तक हमको एक एक साइड में लगते थे। अगर एक सिरे से दूसरे सिरे जाना तो बगैर 36 घंटे से 48 घंटे पहुंच ही नहीं पाते थे। और लेकिन अब कितने सहजता के साथ अब बड़े बड़े सफर तय कर रहे हैं, और यही कारण है कि जनता विकास चाहती है और माननीय मोदी जी जनता की आंखों के तारे हैं। उज्जैन की बात होती है, बाबा महाकाल की आपने बात की, उसी से शुरुआत की। 2004 से 10 का वक्त मुझे याद आता है, जब उज्जैन विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी आपने संभाली थी। लग रहा था उस समय ऐसा एहसास, जिस तरह की रफ्तार विकास को लेकर आप बात करते थे, कभी था मन में कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में मिलेगी? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, ये बात तो सत्य है। लेकिन ये एक भगवान का आशीर्वाद है कि मुझे जो काम मिलता है मैं उसको डूब के करता हूँ, अच्छे से करता हूँ, और फिर घबराता नहीं। इसलिए जो काम मिलेगा वो अच्छे से करूँगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि जब मैं टूरिज्म के चेयरमैन था तब मैंने नहीं सोचा मैं मंत्री बनूंगा। मेरे मन में कभी मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता, कभी सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय नड्डा जी को, माननीय अमित जी को, ये भाजपा पार्टी के सभी पदाधिकारियों को। ये केवल एक ही एक में पार्टी भाजपा में हो सकता है जब किसी को भी कोई जवाबदारी दे दे और उससे उसका परफॉर्मेंस निकल के आता है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जवाबदारी दी, पार्टी द्वारा दी गई, और मैं अपने प्राणपण से ताकत लगा करके पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहा हूँ, और मुझे इस बात का संतोष है। 100 दिन हुआ है, मेरे मन में तो अभी संकल्पना बहुत सारी है, बहुत सारे काम बाकी है। लेकिन आम जनता और सबके बीच में से निकाले हुए समय, इसमें से लोगों को लगता है बहुत बड़े बड़े काम हो गए, तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये इन कामों को जनता पसंद कर रही है। 100 दिन मुख्यमंत्री के तौर पर आप पूरे कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष कुछ और देखता आपके मुख्यमंत्री बनने के पीछे, कि यादव चेहरा था इसलिए मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया ताकि यूपी बिहार के राजनीति पर असर डाला जा सके। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो केवल कार्यकर्ता आधारित रचना देखती, जो कार्यकर्ता केवल वो किसी समाज का हो उसको मौका मिलता। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता हूँ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे समाज के लोग तो 500 भी नहीं है, 2,80,000 वोट में से 500 यादव नहीं है। लेकिन मैं 3 बार से लगातार जीत रहा हूँ। जो जो भी समाज है केवल वो विकास चाहते हैं और सब मिलकर के वोट देते हैं। और उसके बाद जो काम मेरे को लगातार पार्टी द्वारा दिए गए, टूरिज्म का चेयरमैन रहा, यूडीए का चेयरमैन रहा, बाद में विधायक रहा, मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री रहा, तो काम योग्यता के आधार पर देना। और माननीय मोदी जी ने तो केवल 4 जाति बन रही, वो 4 जातियों पर ध्यान देना है, किसान, गरीब, युवा और महिला। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि ये केवल चारों वर्ग का ही प्रतिनिधित्व देखना चाहिए, और जिस भी व्यक्ति को दो वो काम करके दिखाता है। सब पूरा मोदी जी का मंत्रिमंडल अभी दुनिया के सबसे अच्छे मंत्रिमंडल में से दिखाई दे रहा है। हर एक व्यक्ति, जयशंकर प्रसाद से लगा के वैष्णव साहब रेल मंत्री जो है, कौन काम करके नहीं दिखा रहा है। माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय की याद दिला रहे हैं, तो जो समय चल रहा है वाकई वो भूतन भविष्य का है। जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी का जोर बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे आपने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस समुदाय का, किस जाति का है,
काम करने वाला जो मुख्य होता है। लेकिन राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में भी आए थे तो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था। जातिगत जनगणना आपको लगता है कि कुछ असर पड़ सकता है राजनीति पर, चुनाव पर, सरकार पर? देखो, ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है। कांग्रेस का शुरू से चरित्र दोहरा चरित्र रहा है, जो कभी होगा नहीं या करना नहीं है उसकी बात करना, और जो है उसके बारे में कोई चिंता नहीं करना। कांग्रेस ने आजादी के समय से, आजादी के पहले कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम के मसले को उठाया और बंटवारा हो गया देश का। लेकिन दुर्भाग्य के साथ जो पूरे कांग्रेस के तत्कालीन नेता थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिनने कहा था कि हमारी किसी की भावना नहीं कि देश का बंटवारा हो, लेकिन देश का बंटवारा किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। गोहत्या बंद करना चाहिए, महात्मा गांधी के समय से कांग्रेस ने संकल्प लिया था, गोहत्या कांग्रेस ने कभी बंद नहीं की। इंदिरा गांधी ने सरकार बना ली, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, कोई गरीब हटा नहीं, और कांग्रेस ने अपनी सरकार लगातार 50 साल चलाई। कांग्रेस इशू उठाती और इशू को जातिवाद के बारे में कांग्रेस बात करती है, हम सबको लेके चलेंगे, लेकिन शुद्ध जातिवाद में आकंठ डूबे में भ्रष्टाचार के मसले की बात आती है तो कांग्रेस का पूरा वर्तमान का नेतृत्व सब जमानत पे घूम रहे हैं। और अब लेटेस्ट रूप से हम देखें कि हर वो दल जिसके बारे में, जिनके कीर्तिमान भ्रष्टाचार के बने हैं, कांग्रेस का उनके साथ गठबंधन है। तो ये जो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, ये इसी प्रकार का है जो उनका अपना चरित्र है। और मैं समझ सकता हूँ कि माननीय मोदी जी ने वो सारे मिथक तोड़े और काम करके दिखाया कि हमारे यहाँ काम करने वाले की अपनी खुद की क्षमता है, योग्यता है। और केवल जैसे मैंने कहा कि महिला, किसान, युवा, ये जो जातियां बनाई है इन्हीं को देखना, गरीब, तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा अच्छे से काम कर पा रहे हैं। कांग्रेस में भी इस पे सवाल उठते हैं। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा जी ने चिट्ठी लिखी है जिसमें जो जातिगत जनगणना वाला मामला था, तो राहुल गांधी को कहा है कि आपने राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी की जो भावनाएं थी उनका अपमान किया। सही कहा आनंद शर्मा जी ने। आनंद शर्मा जी क्या उनसे, उनके पूर्ववर्ती कई नेता आज भी इस बात को कह रहे हैं, और जो अभी बड़े पद पे बैठे हैं आप द रिकॉर्ड, तो वो खुद बोलते हैं कि राहुल गांधी को मालूम ही नहीं कि बोलना क्या है, और ये नादान जो हरकत करते हैं उसकी कीमत पूरी पार्टी चुकाती है। इसलिए कांग्रेस को वर्तमान समय में खत्म करने के लिए और कोई जवाबदार नहीं, केवल उनका नेतृत्व जवाबदार है, खुद ही उनके राहुल गांधी सहित इस टाइप का जो व्यवहार है कि वो खत्म हो रही। भारत जोड़ो यात्रा निकाली उन्होंने, उसके बाद न्याय यात्रा निकाली, तो मध्य प्रदेश में जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी वहां पे भाजपा ने सीटें जीती हैं। उसमें हमने पहले भी कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकल रही है, क्योंकि जिस ढंग का जब जो जरूरत है, जिस समय काम करने की आप नहीं करोगे तो पार्टी के अंदर काम करने वाला वर्कर से लेकर बड़े नेता तक सब समझते हैं, अवसर छोड़ने के बाद फिर क्या होता है। तो ज्यादा बेहतर होता है कि कांग्रेस के नेतृत्व और कांग्रेस के नेता अपने इस अवसर को पहचानते और अच्छे से मुकाबले में आते, लेकिन ना तो वो आज काम कर पा रहा है, ना अतीत के 15 साल पुराने अपने अकाउंट को मेंटेन कर पा रहा है, जिसके आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको पहले पेनल्टी लगाई, पेनल्टी की नहीं भरी, कानून कायदा को शासन है कि नहीं कुछ। इसीलिए कांग्रेस अपने कर्मों से आज सारे अकाउंट उनके सीज हो चुके हैं, अब वो कह रहे हमारे पास पैसा नहीं है। अरे तो भैया, कोई भी व्यापारी, किसान, आम आदमी जो भी इनकम टैक्स देता है, सबको मालूम कि समय में उसको टैक्स भरना है, समय पे रिटर्न देना है, समय पे उसकी बैलेंस शीट देना है, अगर नहीं देंगे तो उसके क्या परिणाम है, सब जानते हैं। तो इतनी बड़ी पार्टी चला रहे कांग्रेस, जो कहते हैं 125 साल पुरानी पार्टी है, उनको ये मालूम नहीं कि ऐसे समय में उनको किसी और के बोलने के बजाय खुद अपने पेपर कंप्लीट कर ले। ये कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस हमेशा इसी तरह से। आपने बात की कि लगातार कांग्रेस से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, अकेले मध्य प्रदेश में 15,000 से ज्यादा कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं लगता आपको कांग्रेस के लोग ही बीजेपी में ज्यादा दिखने लगेंगे और कांग्रेस में कोई बचेगा नहीं, तो फिर चुनाव किससे लड़ेंगे? देखिए, दोनों बातें एक साथ नहीं हो पाएगी। भाजपा राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों से वो अपना क्षेत्र में काम करती है, और ये बात भी सही कि हर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता राजनीति समझता है, देश काल परिस्थितियां समझता है, वर्तमान हालात में क्या निर्णय लेने समझता है। तो कांग्रेस के लोगों में लगातार, एक तो मध्यप्रदेश के संदर्भ में कहें कि लगातार 20 साल में कुल 125 साल सरकार कांग्रेस की रही और फिर वो अपने वजन से गिर गई, तो कांग्रेस के लोग जानते हैं कि फिर 20 साल सरकार नहीं आना तो वहां रह के करेंगे क्या। और फिर कांग्रेस ने अपने एजेंडे पर कभी काम ही नहीं किया। कांग्रेस का जो नेतृत्व है, 10 साल से मोदी जी की सरकार, कांग्रेस सब प्रयत्न कर लिया लेकिन फिर भी जिस प्रकार से
माननीय मोदी जी की जनता से जो जीत मिल रही है वो जीत लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। इसलिए राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी निर्णय कर रहे हैं कि हमको कहाँ जाना है और वो रिजल्ट अभी आ रहे हैं। अभी आपने बात कही थी कि भ्रष्टाचार है, केस दर्ज है, जमानत पर घूम रहे हैं। ताजा मामला अरविंद केजरीवाल का है, सबसे ईमानदार चेहरा माना जाता था, सबसे ईमानदार सरकार का वो दावा करते थे। आज उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। देखिए ये बहुत अलग टाइप की बात है और मैं तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, जो मंच से 2015 से बोल रहा था कि अगर मेरे साथ वाले भी कोई गलत काम करेंगे तो मैं जेल जाने वाले, मैं कोई मदद नहीं करूंगा। अब उल्टा जब आपकी सरकार बन गई, आपके मंत्री जेल जा रहे हैं, तो आप उनकी जमानत से लेकर उनको रिहाई की बात करने लग गए। सिद्ध हो गया कि उनके ऊपर ईडी ने मुकदमा बनाया, गवाह मिल गए, सबूत मिल गए, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप सब दूर घुमाए। दो दो साल से आपके दो दो मंत्री बन रहे, 21 आपके सहयोगी बन रहे, जब आपको खुद को भी उनने संबंध दे दिया, बुलाया है नौ बार, तो आप भाग रहे हो कोर्ट छोड़ करके, कोर्ट से जमानत नहीं मिलती, तो फिर आपको बड़ा अपने आप को खुद ही शहीद कह देते हो। कितना दुर्भाग्य, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे देश में। कई अनपढ़ से अनपढ़ राजनेताओं ने भी बड़े बड़े जवाबदारी वाले पद संभाले, लेकिन नैतिकता तो सब में थी। इतनी नैतिकता की गिरावट जो केजरीवाल जी के माध्यम से, ये कभी नहीं हो सकता है कि हमारे यहाँ एक मुख्यमंत्री जैसा आदमी पद के चक्कर में मैं सरकार वहीं से चलाऊंगा। चलाओ भैया, पहले आपके कैबिनेट के दो मंत्री तो अंदर है ही सही, अब अंदर ही कैबिनेट कर लो। तो जेल से गैंग चलती है, सरकार नहीं चलती, ये समझना चाहिए। और दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है, माफ नहीं करेगी। सीएए का भी प्रश्न आता है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी हाल ही में था, बहुत बड़ा सरकार का ये फैसला माना जा रहा है, लेकिन उसको लेकर भी कांग्रेस की हम बात करें या कुछ लोगों की बात करते हैं, वो संतुष्ट नहीं दिखाई देते। देखिए ये सब फिर बातें वापस कांग्रेस में जाएगी। कांग्रेस दो मुंह ही बात करती है। कांग्रेस ने देश की आजादी के समय निर्णय किया था कि जो जिस देश में रहेगा वहां वो सुरक्षित रहेगा और हम उसके हितों की चिंता करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अपने देश में बुलाकर उनके हित की चिंता करेंगे। अब ये आश्वासन किसने दिया था? कांग्रेस ने। और कांग्रेस अब बदल गई, 20% हिंदू पाकिस्तान, तत्कालीन पाकिस्तान में उस समय थे हिंदू सिख ईसाई सब मिला करके, आज की स्थिति बन गई कि वो 1% भी नहीं बचे, तो 19% कहाँ गए? ऐसे में वो जो लोग भाग करके जान बचाने के लिए भारत में आए, तो हम अगर उनको मौका देकर के उनकी नागरिकता दे रहे हैं तो ये हमारे लिए कष्ट का तो समय है, क्योंकि वो उस समय पाकिस्तान या बांग्लादेश अफगानिस्तान में थे। लेकिन आज अगर वो उनको, अगर हमारे देश के लोग अखंड भारत के समय से जो यहाँ रहे, यहाँ नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? कौन बुलाएगा उनको, कौन मौका देगा? तो स्वाभाविक रूप से हम उसी बात को लेकर आए कि भी इस तरह से जो भी व्यक्ति होगा उसकी चिंता हम करें। मम्मी देखिए मुझे कला संस्कृति और जनजातीय समुदाय को भी डॉक्टर मोहन यादव अपने मन में बैठे चल रहे हैं, उनके लिए और बहुत सारे प्लान भविष्य में वो लेकर चल रहे हैं, और उज्जैन का जो विकास होना चाहिए उसको लेकर भी उनके पास कई प्लान है। सर, कायथा को लेकर, डोंगला को लेकर बहुत सारा है कि अब तक जीएमटी के आधार पर दुनिया भर का टाइम तय होता था, अब कायथा और डोंगला को लेकर मांग की जाती है। देखिए डोंगला ये बरहामीर की धरती है, जहाँ हम सबके लिए 2000 साल पहले के ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व हैं जो उस समय के वैज्ञानिक थे, जिनके कारण से आज तक हम अपना अक्षांश देशांश निकालते हैं। और डोंगला या उज्जैन ये कालगणना की नगरी अतीत के काल से रही है, और इसलिए वो समय की नगरी है, और समय की नगरी में वैदिक समय का जो शुद्धता का महत्व है वो हमारे सभी मंगल त्योहारों में, मंगल तिथियों के लिए बहुत मायने रखता है। हमारे जितने व्रत त्यौहार मुहूर्त हैं वो उसी से, उस कैलकुलेशन से आते हैं। इसी आधार पर तिथियां घटती बढ़ती है, तिथियों के आधार पर हमारे त्यौहार बनते हैं। तो ऐसे में इस शुद्ध समय की गणना की दृष्टि से हमने काफ़ी काम किया है, साइंस टेक्नोलॉजी को, आधुनिक साइंस की दृष्टि से भी इसको देखा है। आजकल तो जीपीएस आ गया, जीपीएस से सहज निकाला जा सकता है, पृथ्वी 23.26 अंश झुकी हुई है। कोशिश ये कर रहे हैं कि आधुनिक साइंस के साथ साथ प्राचीन ज्ञान विज्ञान भी हम सबको बीच में लाएं, और रोजगार पर काम के भी हमने काफ़ी काम किया पूरे प्रदेश के लिए। कृषि आधारित बहुत बड़ा हमारा रकबा नया बढ़ा है, तो कृषि आधारित उद्योग बढ़े या बाकी रोजगार माइनिंग के आधार पे, अन्य जो रोजगार पर इंडस्ट्रियों पे हमने बड़ा प्लान किया, जिसमें अब लगातार हम काम करेंगे।
कृष्ण आपके हमारे सबके मन में बसते हैं, कृष्ण को लेकर बहुत अध्ययन आपका है, और जिस तरह राम वनगमन पथ बन रहा उसी तरह कृष्ण पथ की भी एक योजना है। देखिए, हम अगर सरकार चला रहे तो हमको सभी विभागों में बराबरी से काम करना पड़ेगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से भगवान राम, भगवान कृष्ण का तो इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, अभी 5000 साल पुराना है। भगवान राम का 17 लाख साल पुराना है। स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण की लीला जहाँ मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े वो प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने में हमारी सरकार काम कर रही है। और भगवान कृष्ण के जीवन में तो इतने रहस्य है जिनको अभी समाज में लाना बहुत जरूरी है। उनने व्यक्ति के नाते से कष्ट भी भारी सहे, लेकिन तमाम परिस्थितियों में भी अपना हिम्मत हौसला रख के सबका मार्ग प्रशस्त किया, सबको आशीर्वाद भी दिया, और खुद ने हर मुसीबत का मुकाबला कर सकते ये संदेश भी दिया है। तो मैं समझ सकता हूँ कि भगवान कृष्ण के जीवन के विविध प्रसंगों को सामने लाने के लिए उज्जैन में हमने कृष्णायन बनाया है और बहुत काम किया है। और उज्जैन के अलावा धार में अमझेरा में जहाँ रुक्मणी से युद्ध हुआ है, जानापा इंदौर के पास वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया था, नारायणा वो स्थान है महितपुर के पास में जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा ने रात गुजारी थी, ऐसे कई स्थान है। और अभी हमने पब्लिक में भी विद्वानों को जोड़कर एक बड़ा कार्यक्रम बनाया है कि जहाँ जहाँ भगवान की लीला हुई है और भी अनजाने ऐसे इतिहास के स्थान होंगे उन स्थानों को भी चिन्हित करें, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जिस किसी को में जाना है तो उसको मध्य प्रदेश से गुजरना ही पड़ता है। और भारत में भगवान कृष्ण ने अपनी पूरी आयु में कई बार मध्य प्रदेश को पार किया है, इसलिए कई रहस्य अभी सबके सामने आना बाकी है। हमारी सरकार उस पर भी काम कर रही है। भगवान राम को लेकर के हमने प्राधिकरण बनाया चित्रकूट में और बहुत सारे काम लिए हैं जिन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल है, 29-0 का टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है, लेकिन कांग्रेस कहते हैं कि हम कुछ सीटें लाएंगे, क्या कांग्रेस का ख्याली पुलाव है? कांग्रेस के बड़े नेता सब कह रहे हैं कि हमको पार्टी कह रही इसलिए लड़ रहे हैं, हमें लड़ने की इच्छा नहीं है। जिस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा, जिसके बड़े नेता लड़ने को तैयार नहीं, जिसके प्रदेश अध्यक्ष ने लड़ने से मना कर दिया, तो पार्टी कहाँ जाएगी हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी सहानुभूति, कांग्रेस उम्मीदवार तो दे, अब जो आएगा हम उससे मुकाबला करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सबसे ज्यादा डिग्री इनके पास है, बहुत गहन अध्ययन है कई विषयों का, जिसको लेकर इनके मन में कई योजनाएं हैं। और अभी तो इनकी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, अगले 5 साल जो होंगे उसमें ऐसी कई चीजें देखने मिलेगी जो सरप्राइजिंग हो सकती है, और उसको लेकर इनके पास बहुत सारी योजना है। उस पर News18 लगातार आपको ये बातचीत करता रहेगा, लगातार आपको अपडेट देता रहेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बात बहुत धन्यवाद आपका। और अब बात दमोह की करेंगे, जहां सड़क हादसे में पिता और पुत्र की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। बांदकपुर दर्शन करने